अस्सलाम वालेकुम, दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट स्टाइल और स्टाइलिंग, भले आपकी वार्डरोब में हो, आपके ड्रेसेस में हो, या हमारे घरों के अंदर हो, हमारे होम डिकोर में हो, या हमारे खानों में हो, कि हम खानों को किस तरह से प्रेजेंटेबल बनाते हैं या अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो स्टाइलिंग तो आजकल हर चीज़ में एक बुनियादी हिस्सा हो सकता है ना, मैं यही कहना चाहिए कि उसका एक लाजमी एक चीज़ एक लाजमी जुज बन चुकी है। और खूबसूरती किसको अच्छी नहीं लगती, आँखों को भली लगती है, दिल को अच्छी लगती है। और खूबसूरती को देखते हुए हर बंदा दो मिनट के लिए रुक जाता है, चाहे वो किसी चीज़ की खूबसूरती हो, चाहे किसी इंसान की खूबसूरती हो। तो ये नहीं कि मुझे लाइफ बहुत ही हमेशा खूबसूरत मिली है इसलिए मैं बहुत ही खूबसूरती की बातें कर रही हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइफ बाबा हर एक के पास पूरे पैकेज के साथ आती है और उसमें सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन ये डिपेंड और वेरी करता है पर्सन टू पर्सन के आप में अंदर से आप कितने बिल्ड हैं और आप लाइफ को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आप अपने डार्कर्स में भी, अपने डार्क कॉर्नर्स में भी आप एक ब्राइट सुबह तलाश कर लेते हैं। तो आई होप और मेरी दुआ है कि ज़िंदगी मुझे भी और आपको भी हमेशा खूबसूरत लगती रहे और अल्लाह मियाँ हमें हमेशा इतनी करेज दे कि हम लोग ज़िंदगी का एक खूबसूरत सा पहलू देखते रहे। तो आज मुझे जो एक किस चीज़ का मैंने बहुत कोई बेस्ट वर्जन सोचा और मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा वो था मेरा वैनिटी। अच्छा, वैनिटी की जो मैं पिक्चर्स डाल रही हूँ ये मैंने यहीं से निकाली हैं, कुछ यूट्यूब से ही, क्योंकि जो मेरे पास अपनी पुराने वैनिटी की कोई पिक्चर्स नहीं थी, क्योंकि जब मैंने इसको कन्वर्ट किया था अपनी पुराने वैनिटी को तब मैं यूट्यूब पर नहीं थी और तब मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाऊँगी, तो मेरे पास इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं था एज सच। लेकिन ये कि अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरह से अपने कोई पुरानी 15-16 साल पुरानी वैनिटी को मैंने किस तरह से कन्वर्ट करके एक बिल्कुल अप टू डेट नई सी उसकी एक उसका यूज़ किया। तो जी, ये मेरे वैनिटी का, मेरे ड्रेसिंग टेबल का टॉप है जो मेरे बूफे टेबल के ऊपर लगा हुआ है। अब बूफे टेबल का जो सा एक प्रॉपर वीडियो है वो मैं फिर दूंगी, क्योंकि एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस हैं जो इस तरह से आ रहे हैं बिल्कुल होम डिकोर पे और इस तरह से कि मैंने बिफ़ोर एंड आफ्टर, क्योंकि मैंने बेशुमार घर में चीज़ें हैं जिनको मैंने रीयूज़ किया है, रिसाइकिल किया है, तो वो इंशाल्लाह ताला साथ साथ आपको आते रहेंगे। खैर जी, अभी हम देख रहे हैं कि इस ड्रेसिंग टेबल का टॉप मैंने अपने उसके बूफे टेबल के ऊपर लगाया हुआ है और बड़ा पुराना सा विक्टोरियन का टॉप है, लेकिन ये कि ये अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने। और ये इसका बॉटम है, तो ये बॉटम आपके सामने, ये आम जो से हमारे ड्रेसर्स होते हैं, ड्रेसिंग टेबल्स होती हैं, हर घर में होती हैं, तो उसको मैंने दोबारा से किस तरह से यूज़ किया और बड़ी एक अच्छी, वो जिसे आप वही कहते हैं शशके वाली चीज़ बन गई है जो आजकल चलती हैं जिस तरह से। और क्योंकि आजकल फैशन भी है कि जहाँ आपका सारा डार्कर फर्नीचर पड़ा होता है बीच में आपने बिल्कुल एक अलग से एक सेपरेट से कलर की एक चीज़ ज़रूर ऐड हो रही है, जो उनसे आजकल जितने अप टू डेट या जो उनसे आप बोले कि जो उनसे बिल्कुल लेटेस्ट हमारे डिकोर्स आ रहे हैं। तो ये मेरे पुराने वैनिटी को मैंने अपने ग्रीन कलर में इसे दोबारा से मैंने करवाया, डीको करवाया और फिर इसके ऊपर बिल्कुल एंटीक गोल्ड के साथ आप देख रहे हैं कि इसकी बॉर्डर्स को हाईलाइट किया गया है। फिर इसके जो से हैंडल्स थे वो मैंने थोड़े से राउंड में विक्टोरियन से लगवाए और फिर इस पर थोड़ा सा मिनिएचर वर्क करवाया, थोड़ा सा पेंट करवाया ताकि ये बड़ी एक अच्छी सा एक एंटीक सा पीस बन जाए और इसकी लुक बिल्कुल चेंज हो जाए। तो ये ऑलमोस्ट सब की शादियों के पुराने ड्रेसर्स होते हैं, पुराने ड्रेसिंग टेबल्स होती हैं, जो हम लोग जब कभी नए घर लेते हैं या हम लोग अपना फर्नीचर चेंज करते हैं तो हमें वो बहुत पुराने से लगना शुरू हो जाते हैं या समटाइम्स हम किसी को दे देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन ये कि आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं आपकी ये बिल्कुल लॉबी है मेरी और उसका एक समझें कि एक पीछे वॉल थी मेरे पास इस पर जिसपे कॉपर सा हुआ हुआ पेंट आपको नज़र आ रहा है, उसी वॉल के आगे मैंने अपना ये ड्रेसर का रख दिया है और इसको मैंने अपनी जो वैनिटी था इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। जो इसका टॉप है आप देख चुके हैं वो कहीं और लगा हुआ है, मतलब जो मिरर वाली साइड है वो बिल्कुल उसको काट के अलग कर दिया गया है और उसका अलग से यूज़ किया गया है, और जो इसका बॉटम वाली साइड है जिसमें सारे ड्रॉअर्स वगैरह हैं वो मैंने बिल्कुल अलग से यूज़ किए हैं। तो ये दो अलग, एक ही वैनिटी है, एक ही ड्रेसर है जो दो अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल हुआ है। ये देखें, जो इसका मिरर वाली साइड है वो मेरे बूफे टेबल के ऊपर लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही पुराना
ओल्ड फैशन है जो उन समय ड्रेसिंग टेबल है, लेकिन ये कि बहुत ही एक अच्छी अपनी पूरी छब दिखा रहे जहाँ पे ये लगाया गया, तो बड़ा अच्छा इसका यूज़ हो गया। यही मैं कहीं लेने जाती, जिस तरह से आपके आजकल लगे होते हैं मिरर्स, ह्यूज मिरर्स लगे होते हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने पुराने ड्रेसर्स को या ड्रेसिंग टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप उन्हें काट के उनके जो सा मिरर वाला साइड है उसको एक अलग यूज़ कर लें, और जो उसका ड्रॉर्स वाला साइड है उस पर अलग से कोई और पेंट शेंट वगैरह करके, और इस तरह से जैसे मैंने ऊपर उसके ऊपर फैमिली पिक्चर्स रखी हुई हैं और लैंप्स रखे हुए हैं, कुछ डिफरेंट एंटीक पीसेस रखे हुए हैं, और एक बड़ा अच्छा सा वो एक कॉर्नर सा बन गया मेरा। तो इसी तरह से मेरी और बहुत सारी घर मेरा भरा हुआ है इन्हीं चीज़ों के साथ के जो मैंने बिफ़ोर एंड आफ्टर की, तो इंशाल्लाह ताला अब मैं वो लाती रहूँगी और आप देखते रहेगा कि कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें, इवन लाइक कि आप कह सकते हैं कि अपने पेरेंट्स की जहेज़ की चीज़ें जो आज से कोई 45 इयर्स पहले की होंगी, उनका मैंने कितना अच्छा रीयूज़ किया है। और ये देखें जी, ये उसी वैनिटी का जो स्टूल है उसको भी मैंने कोशिश करवा ली थी, वो तो है किचन विचन में स्टोर वगैरह में काम आ गया। तो कीप इन टच, बहुत अच्छी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आने वाली हैं जो आपको बड़ा अप टू द मार्क भी करेंगी, और लेकिन आपके बजट के अंदर होंगी।